हेलो गाइस, आज हम लोग वापस आए बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन के साथ जो है ओप्पो की तरफ से। अभी ओप्पो अपना फर्स्ट फ्लैगशिप फोन लेके आने वाला है विद स्नैपड्रैगन 865, मतलब ये एक 5G रेडी फोन होने वाला है और ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में लॉन्च होगा। तो मैं आपको इसके लॉन्च इवेंटेड अपडेट देता रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो यस, हम लोग को इसमें स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिलने वाला है। तो ये 5G मॉडल के साथ आता है। इसमें हम लोग को AI परफॉर्मेंस है, गेमिंग परफॉर्मेंस है, देन बैटरी की परफॉर्मेंस है, सारे में हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें स्पेशली गेमिंग की, तो हम लोग को इसमें डेस्कटॉप लेवल की गेमिंग देखने को मिलती है, मतलब आपको गेम प्ले में कोई भी 0% लैग देखने को मिलेगा। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की। तो इसमें हम लोग को 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड इसका जो सेल्फी कैमरा रहेगा वो पॉपर सेल्फी कैमरा के साथ आने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें इसके रियर कैमरा की, तो इसमें लोग क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। उसका जो प्राइमरी कैमरा रहेगा वो 64 मेगापिक्सल, सेकेंडरी कैमरा 20 मेगापिक्सल, देन टर्शियरी कैमरा 16 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 8 मेगापिक्सल। तो ऐसे इसका कैमरा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर हम लोग बात करें इसकी बैटरी साइज की, तो इसमें आपको 4000mAh की फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी देखने को मिलती है विद फास्ट चार्जर इनबॉक्स। तो इसमें आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा विद वुक 4.0 का सपोर्ट। तो ये रियली फास्ट चार्ज करेगा। अगर हम लोग बात करें इसके OS की, तो इसमें आपको कलर OS 7 का सपोर्ट मिलेगा, देन एंड्रॉइड 10, इसमें आपको डुअल स्पीकर, डुअल सिम, 3.5mm का ऑडियो जैक। तो ऐसे बहुत सारे फीचर मिलते हैं जो इस फोन को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दे। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि Oppo Find X2 की लॉन्च डेट है वो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब अराउंड फरवरी के आसपास वो लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग को Oppo Find X2 की प्राइस अभी तक टीज नहीं हुए, लेकिन हम लोग को लगता है कि ये सारे स्पेसिफिकेशन हम लोग को अराउंड 40,000 के आसपास मिलने चाहिए। तो अभी देखते हैं Oppo इस न्यू फ्लैगशिप फोन की प्राइस क्या सेट करता है, ये अभी देखने वाली बात रहेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं इसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपके वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।